जो मैंने देखा है मेरे लाइफ में वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जब तक मैं पहुंचती या मम्मी पहुंचते, पापा बेड से गिर चुके थे, हॉस्पिटल में पहुंचे तब तक इट्स ऑल ओवर। ये वीडियो उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग सोचते हैं कि घर का बेटा ही घर का नाम रोशन कर सकता है और लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, पूरा वीडियो एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो जब मैं पैदा होने वाली थी, उन्होंने डॉक्टर को बोला था कि डॉक्टर अगर लड़की हुई तो ही बताना वरना मत बताना। मैंने अभी तक बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस के साथ काम किया है। एक लड़की भी इक्वली वही सब कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं। जो भी करूंगी I'll make my dad proud. नमस्ते, जय जगन्नाथ। मेरा नाम है रोजा राणा। मैं एक डांसर, परफॉर्मर, कोरियोग्राफर, आर्टिस्ट हूँ। मैं हूँ राउरकेला, ओडिशा की। मैं ओडिशा की बेटी हूँ। हाल ही में आप सबने मुझे इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 में देखा होगा, जहाँ मैं टॉप 5 में आई। टॉप 5 में आके सेकेंड रनर अप विनर हुई हूँ। और मेरी जो जर्नी है वो बुगी वुगी से शुरू हुई थी 2003 में, जब मैं 8 साल की थी। और तब से मैंने पीछे मुड़ना कभी देखा नहीं है। और मेरी जो डांस की शुरुआत है, इसमें एक बहुत अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरी मम्मा जो है वो डांस में बहुत इंटरेस्ट रखती थी। तो जब मैं पैदा होने वाली थी, उन्होंने डॉक्टर को बोला था कि डॉक्टर अगर लड़की हुई तो ही बताना वरना मत बताना, क्योंकि उनको एक बच्ची चाहिए थी, उनको एक लड़की चाहिए थी जो डांसर बने। और भगवान ने वो सुना। जब मैं पैदा हुई तो वो बहुत खुश थी कि मेरी एक लड़की हुई। तो उनको जब पता चला कि मेरे अंदर डांस का कीड़ा है तो वो बहुत खुश हो गई। डांस के प्रति जो पैशन है वो देखा और उन्होंने सोचा कि हम अपनी बेटी को फुल सपोर्ट करेंगे और उसका जो पैशन है वो आगे तक लेके जाएंगे। और वो पैशन मेरा प्रोफेशन बन गया 8 साल की उम्र से। 2002 में मैं मुंबई गई, जहाँ पर मैं पहले ऑडिशन में कट हो गई थी, मैं एलिमिनेट हो गई थी। बट पापा ने मुझे फुल कॉन्फिडेंस दिया, फुल जोश दिया। मैं वापस गई, वापस ऑडिशन दिया और बुगी बुगी में सिलेक्ट हो गई। और बुगी बुगी में सिलेक्ट होने के बाद मैं ऑल इंडिया में आई स्टूड फर्स्ट रनर अप। डांस और पढ़ाई के अलावा मैंने कुछ कभी किया नहीं है। और पापा कभी मुझे किचन में जाते ही नहीं देते थे, बोलते थे तू बाहर जा, दुनिया देख, तू सिर्फ डांस पे फोकस कर और पढ़ाई कर। बस इतना ही मुझे, इतना कॉन्फिडेंस देते थे कि मेरे डांस के प्रति जो पैशन है वो दिन भर दिन बढ़ते गया। और 6 साल की उम्र में मैं प्रोफेशनली डांस करने लगी, मतलब शोज करने लगी, सीखने लगी, सिखाने लगी, स्कूल में सिखाने लगी, कॉलेजेस में सिखाने लगी। फिर 8 साल के बाद मेरी जर्नी मुंबई में शुरू हुई। फिर 2003 से लेकर 2009 तक मैंने कंटिन्यूसली बुगी बुगी में परफॉर्म किया। जो हमारा क्रू था, रोजा डांस क्रू, हमने 2007 में वो कॉम्पिटिशन जीता। फिर मैंने 2008-09 में क्रेजी क्यारे किया कॉम्पिटिशन, फिर DPL डांस प्रीमियर लीग। उसके बाद DID डबल्स मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया असिस्ट करना, कोरियोग्राफी करना। पापा ने अपनी जॉब सैक्रिफाइस कर दी ताकि मैं मुंबई में सेटल हो जाऊँ। पापा मुझे लेके जाते थे तो उनकी जॉब रहती थी, बट वो बोले कि नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए अपना जॉब छोड़ूंगा ताकि वो आराम से मुंबई में सेटल हो जाए। और पापा तो मुझे हमेशा बोलते थे तुझे कोरियोग्राफर बनना है, तू मेरी बेटी है, तुझे कोरियोग्राफर बनना है और राउरकेला का नाम आगे लेके जाना है और एक एग्जाम्पल सेट करना है। मतलब मेरे पापा का हमेशा ऐसा रहता था कि एक लड़की कैसे एग्जाम्पल सेट कर सकती है दूसरी लड़कियों के लिए, क्योंकि कोरियोग्राफर लड़के तो बनते हैं बट बहुत कम लड़कियाँ होती हैं जो कोरियोग्राफर बनती है, कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाके कोरियोग्राफर बनती है। और यही पापा मुझे बोलते थे, तू लड़की है, ऐसा फील ही नहीं होना चाहिए। एक लड़की भी इक्वली वही सब कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं। और मैं चाहता हूँ कि तू राउरकेला के लिए एग्जाम्पल सेट करे। जान निछावर कर देना बोलते ना किसी पे, तो वो मेरे पापा ने किया है मेरे ऊपर। और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पापा, मतलब मुझे एक लड़की को उन्होंने आउट ऑफ इंडिया अकेले भेजा है। और मैं काम करने गई थी केप टाउन, और वहाँ से वो बहुत प्राउड फील किया कि मेरी लड़की अकेले गई है, अकेले अब्रॉड ट्रैवल किया है। तो वो अपने ना इमोशंस मुझे बताते नहीं थे, बट मॉम को बताते थे। मतलब ओडिया रे कहे गले मो झियो ही सबो किछी। मुझे याद है मैं जस्ट मुंबई से वापस आई थी और हम लोग का एक शो था। शो के बाद हमको कहीं घूमने जाना था, मेरे को, मम्मी को और पापा को।
तो ऐसे बात बात में पापा ने बोला कि अभी कार करते हैं, अभी तू बड़ी हो गई है कार करते हैं। तो मैंने पापा को बोला कि आप नहीं करोगे, अभी आपकी बेटी का समय है आपको सब कुछ देने का, आपने बहुत कुछ किया है, अभी कार खरीदना मेरी जिम्मेदारी है, मैं खरीद के दूंगी आपको कार। तो पापा बोले कि अच्छा ठीक है चल देखते हैं देखते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा वो इमोशनल हो गए थे, तो मैं बोली नहीं मैं खरीद के रहूंगी। तो हम जस्ट पार्टी खत्म हुआ था, वापस आ रहे थे, कुछ सब कुछ ऐसे नॉर्मल था घर पे, बट मैं और मम्मी अलग सोने गए। मैं कभी भी अलग सोते नहीं है, हम लोग हम साथ में ही सोते हैं, बट उस दिन मम्मी और मैं बात करते करते अलग सो गए और पापा अलग सो रहे थे। और फिर मैं बहुत गहरे नींद में चली गई थी और अचानक 1:30 बजे रात को पापा ने आवाज़ दिया, मेरी मम्मी को आवाज़ दिया और इतना ज़ोर का चिल्लाया, मैंने पापा कभी इतना रोते नहीं है, चिल्ला नहीं रहे, क्योंकि उनको पेन होना शुरू हो गया था और बहुत ठंड थी उस दिन रात को। जब तक मैं पहुंचती या मम्मी पहुंचते पापा बेड से गिर चुके थे और सिर्फ इतना बोल रहे थे कि मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो, उतने पेन में ही वाज सेइंग मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो। और मम्मी हेल्प के लिए बाहर जा रही थी और पापा ने मुझे याद है अभी भी बोला है कि घर संभालना और घर देख, उनको क्योंकि हार्ट अटैक आ गया था तो उतना पेन में थे, तो फिर भी अपनी बच्ची को एड्रेस कर रहे थे कि नहीं चल तू घर संभाल, तू घर संभाल। और फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए, मैं भाग के चली गई हॉस्पिटल। और जब तक हॉस्पिटल में पहुंचे तब तक पता नहीं क्या हुआ, मैं अंदर डॉक्टर के वार्ड में जा रही थी और तब तक इट्स ऑल ओवर। और एकदम ऐसा लगा कि अभी तो थे, अभी बीच रास्ते में ही जब बेटी का बारी आया सब कुछ करने के लिए, कभी कुछ करने को दिया ही नहीं, सब कुछ किया उन्होंने मेरे लिए, सब कुछ, मतलब मुंबई तक पहुंचा दिया, मुंबई में मुझे खड़ा कर दिया, मुंबई में एक स्टेबिलिटी दे दी। बॉलीवुड इंडस्ट्री इतना ईजी नहीं है रहना, बट हमेशा उन्होंने मुझे बोलते थे मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रहूँगा, पता नहीं क्यों बोलते थे मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रहूँगा, तुझे खुद का रास्ता खुद देखना है, खुद चलना है, इंडिपेंडेंट होना है, हमेशा साथ में नहीं रहेंगे तब तू क्या करेगी। मुझे बहुत गुस्सा आता था, जब अभी सोचती हूँ तो शायद से वो इतना मुझे उन्होंने स्ट्रांग बना दिया लाइफ में कि जब वो उनका छोड़ के गए तो मुझे रियलाइज हो गया कि मेरे पापा ने मुझे ऐसा सब क्यों बोला था, ताकि मैं अकेले जी पाऊँ, अकेले खड़े हो पाऊँ और एक एग्जाम्पल सेट करूँ कि अकेले भी एक लड़की बहुत कुछ कर सकती है। उसके बाद भी पापा के डेथ के बाद इतना सैक्रिफाइस करने के बाद मुझे शो आया था नागपुर में और मैंने बोला कि मैं पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं शो, पता नहीं, क्योंकि घर वाले सब मेरे रिलेटिव्स बहुत कुछ बोलने लगे, अबे मतलब वो सब नेगेटिव चीज़ें हो गई थी घर पे, बोलते थे मम्मी को बोलते थे नहीं अभी उसको जाने दो, अभी कुछ उसको कुछ मत करने दो, कैसे करेगी, पापा नहीं है उसको, उसकी शादी करा देना, उसकी ये करा देना, वो करा देना। और फिर मैंने बोला कि मेरे को किसी का नहीं सुनना है, मुझे अपने पापा के लिए आगे बढ़ना है, उन्होंने जितनी सैक्रिफाइसेस मेरे लिए की है वो कोई जानता नहीं है, सिर्फ मैं ही जानती हूँ, मेरी मम्मी जानती है। अगले महीने नागपुर में शो था, मैं गई, मैंने शो किया और मैंने अपने पापा को ट्रिब्यूट दिया था वो शो पे। मैं जितना भी जन्म जन्म भी ले लूँ तो शायद से उनको कभी उतना उनका वो जो उन्होंने किया ना वो पे बैक नहीं कर पाऊंगी, बट मैं इतना ज़रूर कोशिश करूँगी, जो भी करूँगी आई विल मेक माई डैड प्राउड। एक्चुअली उसके पापा जाने के बाद बहुत जिम्मेदारी आ गई और मैं सोच रही थी कैसे उसका पापा का ड्रीम बहुत था रोजा को लेकर, तो रोजा को कैसे मैं खड़ा करूं मुंबई में फिर से जाके, मैं तो ये सब मेरे बस में नहीं था, लेकिन रोजा का पैसन देख के मेरे को ये लगा कि नहीं मेरे को भी ये पैसन को जागरूक करना है, इसलिए मैं रोजा के पीछे फिर लग गई और बोली कि नहीं तू काम कर मैं तेरा पीछे हूँ। एक्चुअली मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ सब पेरेंट्स के लिए, जो उनका बच्चे बच्चियाँ हैं सबका ड्रीम को पूरा करने के लिए उनको सपोर्ट कीजिए, देखिए आपका बच्चा कहाँ से कहाँ लेकर आपको खड़ा करेंगे, जैसे मेरी बेटी की है। और मैं और मेरी मम्मी, हमारा जो एकेडमी है रोज़ा डांस एकेडमी, उसका हमेशा एक मोटो रहा है कि हम बच्चों को ट्रेनिंग दें, हम बच्चों को स्कोप दें, प्लेटफॉर्म दें, और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा घर से निकले और ऐसा होना चाहिए कि इंडिया को रिप्रेजेंट करे बाहर के स्टेज पे, मेरा हमेशा ऐसा ही एक मोटो रहा है और धीरे धीरे मैं उस पर काम कर रही हूँ।
और ये सब करने की जो प्रेरणा, जो इंस्पिरेशन मिला है वो मेरे गुरुजी से मिला है, जिनका नाम है विजय सर। इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हर कदम में सपोर्ट किया है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, आगे जाके आपको बहुत प्राउड फील कराऊंगी। मैंने अभी तक बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस के साथ काम किया है, जैसे कि माधुरी दीक्षित मैम, टाइगर श्रॉफ, परिणीति चोपड़ा, वानी कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, करीना कपूर खान, आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल, और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। बट मैं आगे जाके ज़रूर चाहूँगी कि जितने भी एक्टर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में, सबके साथ काम करूँ, सबको अपने मूव्स थोड़ा सिखाऊँ और सबको नचाऊँ और उनके साथ भी नाचूँ, और ये मेरा ये जो ड्रीम है मुझे ये फुलफिल करना है आगे जाके। अभी नेशनली प्लेटफॉर्म हिट करने के बाद मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा गोल है, बहुत बड़ा टारगेट है कि मैं खुद को एज अ परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट इंटरनेशनली हिट करूँ, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करूं और अपने देश का नाम, अपने ओडिशा का नाम, अपने राउरकेला का नाम रिप्रेजेंट करूं। और ये गोल को अचीव करने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ब्लेसिंग और बहुत सारे सपोर्ट कीजिए। आपके प्यार के द्वारा ही मैं इंडिया को इंटरनेशनली एज अ डांसर रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। थैंक यू। इंडिया में जो हमारे सारे यंगस्टर्स को बताना चाहती हूँ, अपने टैलेंट को अपने तक सीमित ना रखें, दुनिया के सामने उसको पेश करें, और अगर आप लोग को हमारी ज़रूरत होगी तो हम लोग तो आपके साथ ही है। मैं आज बहुत प्राउड और हम्बल फील कर रही हूँ कि सिडी भैया और सागरिका दीदी आए टू कैप्चर माई लाइफ, एंड ऐसा बहुत कम होता है, किसी ने मेरे लाइफ को इतना डीपली और इतना नज़दीक से देखा नहीं है। थैंक यू, आपने आज मेरे लाइफ को एक अलग नज़रिया दिया, एक अलग वे में दिखाया, और मैंने हमेशा से सोचा था कि कुछ व्लॉग करूं, कुछ शेयर करूं, बट कभी समझ में नहीं आता था, और आप दोनों ने आज आकर वो भी जो सपना था वो पूरा कर दिया। थैंक यू फॉर कैप्चरिंग मी इन सच अ ब्यूटीफुल वे, और आई थिंक ऑडियंस एक अलग रोज़ा देखेगी आज, ऑडियंस एक अलग रोज़ा को पहचानेगी आज, और ये सिर्फ पॉसिबल हुआ आप दोनों की वजह से। आप दोनों का काम भी मैंने देखा है और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आज मैं आप दोनों के कॉन्टैक्ट में आई हूँ। आगे भी जाके हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, मतलब आप दोनों ने राउटलाइट्स को एक अलग ही पहचान दे दिया है सारे आर्टिस्ट को, क्योंकि आपने सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया है और ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया है जिनको पहचान दिया है आप दोनों ने। मतलब बहुत लोग हैं जो छुप जाते हैं, बट आप दोनों ने उनको पहचान दिया है, तो आई फील प्राउड कि मैं आप दोनों के साथ कॉन्टैक्ट में आई। जो चीज़ मैंने कभी किया नहीं है एज एन आर्टिस्ट, मैंने वो चीज़ आज एक्सपीरियंस किया। इतना कैंडिडली चीज़ें हुई, इतने फ्रेंडली चीज़ें हुई, जैसे लगा कि हम तीन भाई बहन हैं, मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और मतलब परवाह नहीं कुछ भी। और थैंक यू, आपने आज मुझे वो सब बोलने का मौका दिया जो शायद ही मैं बोल पाती हूँ या शायद ही एक्सप्रेस कर पाती हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ जाइए सिडी दास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लग कीजिए, लिंक बायो शेयर कीजिए, और सारे कंटेंट आपको दिख जाएंगे। और ये जो चैनल को है बहुत सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ कंटेंट क्रिएट नहीं करता, बट ये चैनल लोगों को पहचान भी देता है। और ये जो मेरा वीडियो रहेगा, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, इसको सपोर्ट कीजिए, और बहुत दिल से बनाया है भैया ने और दीदी ने ये वीडियो, एंड आई वॉन्ट कि आप लोग देखें, और अगर आपको इंस्पायरिंग लगता है तो इसको शेयर कीजिए। थैंक यू। आई एम डैम श्योर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और पसंद आया तो जैसे रोजा ने कहा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और अगर ऐसे कोई भी और टैलेंट है राउरकेला में प्लीज हमें कॉन्टेक्ट करिएगा, हम चाहेंगे दिल से कि आपकी स्टोरी पूरा दुनिया देखे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, और हाँ हमेशा याद रखना, सुनो सबकी, करो अपने दिल की।